चलिए आज बनाते हैं इटालियन डिजर्ट तिरामिसु, जो हर किसी का फेवरेट रहता है, स्पेशली जो कॉफी लवर है उनका तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर आप कॉफी लवर नहीं है और आपको तिरामिसु का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ इसका देसी फ्लेवर, यानी कि अपना फेवरेट रस मलाई तिरामिसु, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और आप भी इस तिरामिसु को एंजॉय कर सकेंगे अपने देसी फ्लेवर में। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं मामा सुपर किड्स के किचन पे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मास्कारपोने चीज, जो तिरामिसु बनाने का मेन इंग्रेडिएंट रहता है और ये मार्केट में इजिली अवेलेबल भी है। इसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है बारीक वाली चीनी। यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, अगर बारीक वाली चीनी नहीं है तो चीनी को पीस कर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास रस मलाई एसेंस है तो वो डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह से इलायची पाउडर और रोज एसेंस के कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, या फिर रोज वाटर डालना है तो रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें स्मूथ करते हुए बीट कर लेना है। देख सकते हैं टेक्सचर बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है, शुगर अच्छे से कंबाइन हो चुका है। तब यहाँ पे हमें डाल देना है चिल्ड हैवी व्हिपिंग क्रीम और इसे सॉफ्ट पिक आने तक बीट कर लेना है। क्रीम हमारा बनके रेडी हो चुका है, तो चलिए अब सारी चीजों को असेंबल करते हैं। तो रस मलाई तिरामिसु बनने वाला है, तो रस मलाई यहाँ पे हमें चाहिए। यहाँ पे मैं इलायची रस मलाई यूज कर रही हूँ, पैकेट वाले। अगर आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का, मार्केट का या फिर घर का रस मलाई यूज कर सकते हैं। अब इस रस से जो हमारे रसगुल्ले डीप हुए थे उसे अलग कर लेने हैं। इसके अलावा हमें चाहिए तिरामिसु का एक और मेन इंग्रेडिएंट, वो है लेडी फिंगर्स कुकीज। अगर आप चाहे तो इसे बनाने के लिए सिंगल सर्व भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके के छोटे साइज का कप का, या फिर अगर आपको पार्टी के लिए बनाना है तो किसी भी सर्विंग डिश का भी यूज कर सकते हैं और सारे कुकीज इस तरीके से बेस में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सिंगल सर्व, इसलिए छोटे साइज का कप लिया हुआ है और कप के साइज का ही लेडी फिंगर को भी इसे ब्रेक कर लिया है। इसके बाद इस लेडी फिंगर को हमें डिप करना है रस मलाई के रस में। बहुत लंबे समय तक डिप ना करें, नहीं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लेडी फिंगर नहीं मिल रहा है तो इसका मैं आपको बताती हूँ एक चीट हैक। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इलायची फ्लेवर का या फिर मिल्क फ्लेवर का रस्क। अब इसके बाद मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा क्रम करते हुए रस मलाई और साथ में बाइट्स के लिए मैंने डाल दिए थोड़े से ड्राइड रोज पेटल्स और पिस्टेशियो। ये टोटली ऑप्शनल है। अब हमें डालना है क्रीम और यहाँ पे क्रीम को मैं पाइपिंग बैग के हेल्प से डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्पून के हेल्प से भी इसे डाल सकते हैं। अब इसके बाद लेडी फिंगर, उसके बाद से थोड़े से क्रम्बल के हुए रस मलाई, उसके बाद से क्रीम और फाइनल गार्निश कर दिया है पिस्टेशियो और रोज पेटल के साथ में। और लगनी चाहिए कि ये रस मलाई तिरामिसु, इसलिए मैंने थोड़े से रस मलाई के क्रम्स एक बार और लास्ट में डाल दिए हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल सा डिश। अगर आप बिग पार्टी के लिए या फिर पॉटलक के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे सर्विंग डिश में भी बना सकते हैं, जिसे आप एक बार में ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज गाइस इसे लाइक करना ना भूले, और साथ में हाँ, इसे बनाने के बाद आप कम से कम 4 से 5 घंटा के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रख दीजिए, जिससे जो हमारा रस है वो और भी अच्छे से लेडी फिंगर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ठंडा ठंडा इसे एंजॉय कर सकते हैं पार्टी में या फिर अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन में। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूले, और आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। आई एम श्योर आप इस रेसिपी को जरूर पसंद करेंगे। मामा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज, बींग ए पेरेंट्स, बच्चों के कुछ एक्टिविटीज और उनके कुछ हेल्थ के टिप्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।